करते हैं आपको पता है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नीरज ऑटो हिल व्लॉग्स में। मेरा नाम है नीरज शर्मा। आज हम बहुत ही कड़कती धूप में आपके लिए बहुत ही रोमांचक सा टॉपिक लेके आए हैं, टाटा पंच के रिलेटेड, जो कि रहने वाला है इसके एक साल के ऊपर। मतलब एक साल हो चुका है हमें टाटा पंच चलाते चलाते, एक साल से 5-6 दिन ऊपर ही हो गए हैं और हमने चलाई है लगभग 16,500 किलोमीटर। तो इसका रिव्यू हम देने वाले हैं आज, खुद ओनर है गाड़ी के, तो आज हम अपने मुंह से बताएंगे कि टाटा पंच ने कैसा कुछ प्रदर्शन दिखाया एक साल में और हम कहां कहां ले गए। आप सबको पता ही है अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी, तो आज हम इसी चीज़ का रिव्यू देने वाले हैं कि क्या क्या ठीक है टाटा पंच में। तो जो भी है सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं पूरी वीडियो में। तो ये रही हमारी गाड़ी, अब चलते हैं इसके अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको सबसे पहले रीडिंग गाड़ी की कि कितनी गाड़ी चल चुकी है। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर, बैठते हैं। ये रहा गाड़ी का डैशबोर्ड जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है हमें। ये वाइट वाला जो शीट है, मैं कहूँ सच में बहुत गंदी हुई और बहुत बार मुझे साफ़ करनी पड़ी है। वो जो जहाँ से आप साफ़ करवाते हैं वो बहुत, मतलब कभी कभी करते हैं, कभी कभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर मैं कहूँगा, पर है बहुत स्टाइलिश लगता है इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अब करते हैं गाड़ी स्टार्ट। सॉरी, गाड़ी स्टार्ट करनी है। ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं 16,726 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो ये मतलब एक साल का है, मतलब एक साल में मान के चलिए हम 16,500 किलोमीटर चल चुके हैं। उसके बाद वैसे हमने गाड़ी चलाई नहीं 2-3 दिन से काफ़ी। तो ये कुछ हाल है इंटीरियर का हमारा, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस, सबसे पहले शुरुआत मैंने आपको दिखाया कि 16,500 हम चला चुके हैं मात्र एक साल में। ज़्यादा भी नहीं है पर ठीक ठाक है, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा टूर लगाया नहीं है। एक ही टूर ज़्यादा लंबा लगा है, वो कश्मीर वाला है, तो वो भी लगभग 250-300 के आसपास, शायद आई थिंक सो इतना है। तो उससे ज़्यादा लंबा हमें कोई टूर नहीं लगा है फिलहाल। तो यहाँ से मेरा जो घर है वो भी काफ़ी दूर है, तो आना जाना रहता है, तो इस वजह से 16,500 हम चल चुके हैं, तो लंबा टूर फिलहाल नहीं लगाया। तो उसके बाद बात करते हैं अब सर्विस कॉस्ट की। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, मेरी सर्विस की वीडियोस बनी पड़ी हैं उसमें, तो आप उन पे भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टू सर्विस बिल्कुल फ्री रहती है टाटा की ओर से। तो फर्स्ट टू में वैसे होता भी कुछ नहीं है, सिर्फ फर्स्ट में नट बोल्ट वगैरह सब देखते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं, और वो भी चेक करके देखते हैं गाड़ी चला के कि सब सही है, मतलब जो प्रॉपर गाड़ी चल रही है नहीं चल रही है। तो फिर बात करते हैं सेकंड सर्विस की। सेकंड सर्विस में बस यही सब चेकिंग ही रहता है कि चेक करते हैं ब्रेक वगैरह जो भी है, सब चेक वेक होता है, उसके बाद उसमें भी कुछ नहीं होता। तो वो भी सर्विस कॉस्ट कुछ नहीं होता उसका भी, तो आपको चिपकाने की बहुत कुछ कोशिश करते हैं। अगर आपको कुछ लेना होता है तो लीजिए, नहीं तो कोई कंपलसरी कुछ भी चीज़ नहीं है। तो थर्ड सर्विस में बता दूँ, थर्ड सर्विस पड़ी मुझे लगभग 8,000 के आसपास, क्योंकि महंगी इस वजह से पड़ी क्योंकि मेरे ब्रेक शूज़ थे वो काफ़ी कस चुके थे, तो उस वजह से मुझे वो चेंज करवाने पड़े। तो इस वजह से मुझे लगभग 8,000 के आसपास पड़ी। तो मैं ऊपर से मैंने AMC ली हुई थी, 8,000 नहीं 7,500 AMC ली हुई थी, उसमें एक फ़िक्स प्राइस रहता है। तो वो मैं कहूँगा कि आपकी मर्ज़ी, आप ना लीजिए। वो मैं भी इस वजह से ले रहा था, मुझे पता था मेरी गाड़ी में और भी बहुत काम है, इस वजह से मैंने AMC ली। बट वो किसी जो प्रॉपर थर्ड सर्विस होती है उनके लिए लागू रहता है, उसके बाहर नहीं। तो मैं तो बात कर रहा हूँ थर्ड सर्विस की। मैं कह रहा था कि अगर आप AMC लेते हैं तो वो जितनी थर्ड सर्विस होती है मतलब उन्हीं के लिए लागू होता है, जैसे कि कुछ कुछ वो कंडीशनें बताते हैं कि इसके लिए होगी, उसके बाद अगर और कोई काम होगा तो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। तो इस वजह से AMC मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। तो अब बात करते हैं आगे हमें, मतलब कैसा लगा गाड़ी चला के एक साल उसके बारे में। तो बात करते हैं कि कैसा लगा हमें एक साल गाड़ी चला के। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी पहली गाड़ी है, मेरी पूरी फैमिली में पहली गाड़ी है हमारी टाटा पंच। तो मेरे हिसाब से मुझे बहुत मज़ा आया, और बीच में कुछ प्रॉब्लम्स मैं कहूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई फ़िलहाल। तो कुछ मतलब स्क्रैच वगैरह थोड़े बहुत लगे हुए हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं मज़े की बात करूं तो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि पंच मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल कार है। तो मैंने लगभग 10 बंदे भी उठाए हैं गाड़ी में, सच कहूं कहीं जाना होता है जैसे कोई मैच खेलने, तो ज़्यादा दूर तो नहीं कह सकते पर नज़दीक के लिए 10 बंदे भी आराम से आ जाते हैं। मैंने एक बार तो डिक्की में भी बैठाए बंदे। तो मतलब कम्फर्टेबलिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, कम्फर्टेबल कार है।
तो उस वजह से भी आप ले सकते हैं। तो मुझे चलाने में फ़िलहाल कोई अभी तक दिक्कत नहीं आई है। तो मैंने बहुत कुछ ट्राई किया टाटा पंच पे। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपने आपको पता होगा कि क्या क्या हमने किया हुआ है, कहाँ कहाँ हम लेके गए हैं, ऐसी ऐसी पहाड़ों पे लेके गए हैं जहाँ थार भी मतलब थार का जाना रहता है, मतलब कोई 4x4 थार नहीं कह सकते, कोई 4x4 गाड़ी जाती है। तो ऐसे लेवल पर हम गाड़ी को लेके गए हैं। अगर आपको देखना है, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और साथ में मेरी वीडियोज़ जो पिछली है ऑफ रोडिंग वाली है ज़रूर चेक करके जाइएगा कि हमने टाटा पंच के साथ क्या क्या ट्राई किया हुआ है। तो और मैं फिर भी कहूँगा, मुझे बहुत प्यार है भाई अपनी गाड़ी से, क्योंकि अभी तक कहीं भी मुझे निराशा नहीं मिली है इस वजह इसकी ओर से। तो माइलेज की भी अगर बात करूँ तो माइलेज भी आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, मैंने प्रॉपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं माइलेज पर भी। फिर भी मैं आपको लमसम अगर बताऊँ तो सबसे हाईएस्ट माइलेज जो मेरी टाटा पंच ने मुझे दी है वो 23 की दी है हाईवे पे। तो ये भी आई डोंट नो वो कैसे निकाली मैंने। तो डिपेंड करता है आप पे भी, आप कैसे गाड़ी चलाते हैं, रफली चलाते हैं तो ऑब्वियसली से आपकी गाड़ी आपको कम माइलेज देने वाली है, या तो हिली एरियाज़ में ऑब्वियसली कम हो जाती है। जैसे मेरे घर की तरफ रोड है तो वहाँ पर तो मुझे 12-13 की माइलेज मिलती है, क्योंकि रोड ही उस टाइप का है। तो और मैं आप और एक और बात कहूँ तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से गाड़ी चलाते हैं, माइलेज आप पे डिपेंड रहती है। तो फिर भी मैं कहूँ नॉर्मल जो इसकी एवरेज माइलेज 18-19 में कह सकता हूँ। तो अब बात करते हैं सेफ्टी की। जैसे कि टाटा आपको पता है बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं सेफ्टी के, एयर बैग्स तो हैं ही दो जो आ गए हैं। तो मेरा बेस मॉडल है, जैसे कि आपको पता है बेस मॉडल है ये टाटा पंच का। तो जो किटें दी हैं साथ में टाटा पंच की, वो काफ़ी और ज़्यादा प्लस पॉइंट दे मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी रही, क्योंकि एक बार मैं हिमाचल वाली साइड गया था तो मेरे बहुत सुनसान सी रोड में वहाँ पे मेरी टायर की हवा कम हो गई थी। तो एक किट दी इन्होंने साथ में पंप मतलब हवा भरने के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं कहूँगा जब भी आप अगर टाटा पंच ले रहे हो तो शायद जो वो शोरूम वाले हैं वो आपको ये एसेसरीज़ ना दें, पर ये टाटा पंच के साथ कंपलसरी है। मैंने बहुत बार देखा है कि जो इसकी ट्रे है ये पीछे वाली, वो भी टाटा पंच के मतलब वो शोरूम वाले कभी कभी नहीं देते हैं, तो वो भी टाटा पंच की तरफ से मतलब टाटा की तरफ से कंपलसरी है। तो ये जो मैं एक और बात कहूँगा डिक्की के, जो मतलब डिक्की की स्पेस है पीछे, वो भी काफ़ी ज़्यादा है यार। मतलब आप अगर 3-4 बंदे नॉर्मली जाते हैं कहीं घूमने तो इनफ स्पेस है उसके लिए। तो अभी मैंने और कुछ ट्राई नहीं किया गाड़ी पे, मतलब अंदर मैंने सोचा था बेड बना के देखेंगे कि सो के कैसा लगता है। तो वो भी आगे जाके कोई वीडियो मैं लाऊंगा बहुत जल्द आपके लिए, कि टाटा पंच को हम बेड बनाने वाले हैं, देखते हैं कैसा कंफर्टेबल रहता है सोने के लिए। तो अगर आप कहीं अकेले जाते हैं या किसी अपने पार्टनर के साथ, तो कैसा मतलब आप सो सकते हैं कि नहीं सो सकते हैं। तो हमने बात कर ली अभी तक एडवांटेजेस की, तो और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि आपको ये जो डोर्स मिलते हैं काफ़ी बड़े बड़े मिलते हैं, इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। आप नॉर्मली 2 लीटर्स की बॉटल आगे वाले पर रख सकते हैं, इस पर भी शायद 1 लीटर की नॉर्मली इस पर भी रख सकते हैं, बहुत सारी स्पेस है। तो अगर आपको और सारी जानकारी जाननी है, मतलब टाटा पंच का मेरा 1 साल का कैसे एक्सपीरियंस रहे, तो मैं और 1 साल के बाद बता रहा हूँ, 1 साल के भीतर अगर आपको जानना है तो आप मेरी वीडियोज़ जाके चेक कर सकते हैं, हर एक डिटेलिंग वीडियोज़ बनी हुई है टाटा पंच पर। तो बहुत सारी जानकारी वहाँ पर भी आपको मिलेगी। अब बात करते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगा गाड़ी के साथ। तो सबसे पहले बात, जो भी मैंने बहुत सारे टाटा के मतलब जो ओनर से उनके साथ बात करी हुई है, तो सबसे पहले इफेक्ट आता है गियर्स पे। तो गियर्स में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, मतलब फर्स्ट गियर जब आप लगाते हो, मतलब एक दिन के बाद आप गाड़ी चला रहे हो, अगले दिन सुबह स्टार्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट गियर थोड़ा सा अड़ता है, वो मुझे समझ में नहीं आया। तो गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम्स है, मतलब मैंने कंपेयर किया मारुति वालों के साथ, तो उनकी काफ़ी सॉफ्ट रहती है। तो इसकी मुझे कभी कहीं ना कहीं जब मैं फर्स्ट गियर लगाता हूँ या जब मैं रिवर्स लगाता हूँ तो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है। मैंने बात करी और भी ओनर्स के साथ, तो टाटा की ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, गियर अटक जाता है, तो इस वजह से कभी कभी गियर टूटने का खतरा भी रहता है। तो इसमें फिर कहूँगा अगर आपके पास टाटा पंच है, इतनी बड़ी बात नहीं, अगर आप गाड़ी सेफ्टी से चलाते हैं तो मेरी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई गियर मतलब ऐसे कि फंस गया हो, ऐसे अटक जाता है थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब कोई मिली सेकेंड्स का टाइम होता है चलने में। तो जो रिवर्स है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने और भी लोगों के साथ बात करी हुई है, ज़रूरी नहीं टाटा पंच के साथ, कोई भी टाटा के कार लो, उनमें थोड़ी सी गियरिंग की प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता क्यों, मतलब शायद इंजन रिफाइन नहीं दिया गया है टाटा पंच में उतना ज़्यादा जितना मारुति में है। तो ये हो गई एडवांटेज, और भी डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद मैंने स्टेयरिंग के बारे में बताना भूल गया, सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी मुझे टाटा पंच वो इसका स्टेयरिंग है, बिल्कुल मक्खन चलता है भाई, इसको आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसको तो बिल्कुल भी मारुति की किसी गाड़ी के साथ मैं फ़िलहाल कंपेयर नहीं करूँगा। तो जो भी है, मैंने आल्टो भी चलाई, मैंने स्विफ्ट चलाई है, स्विफ्ट डिज़ायर चलाई, तो उनका भी मुझे कहीं ना कहीं हैंडलिंग जो है काफ़ी हार्ड रहती है थोड़ी सी, आई डोंट नो वाई। तो इसकी जो मैं मतलब एक उंगली से, कभी कभी ऐसा तो करना तो नहीं चाहिए पर ऐसे नॉर्मली डेमो दे रहा हूँ आपको, एक उंगली से भी घुमा सकते हो। तो यही सब चीज़ें हैं।
तो खामियों की बात चली रही है, तो मैं खामियां और भी हैं बहुत सारी गाड़ी में, जैसे कि मुझे समझ में नहीं आया चाइल्ड लॉक के साथ क्या कुछ किया हुआ है टाटा ने। फिलहाल तो उतने ज़्यादा मैं बच्चे कभी बिठाए नहीं, मेरे तो अपने बच्चे हैं नहीं, तो फिलहाल मैं ये कहूँगा जैसे कि आप इसको ऐसे करके लॉक हो जाता है, ये प्रॉपर लॉक हो गया, तो कोई नॉर्मली बैठा होगा पीछे तो ऐसे करके खोल देगा आराम से। तो ये चाइल्ड लॉक दिया हुआ है, पर साइड पे है चाइल्ड लॉक, वो भी आप मेरे मैंने 5 फीचर्स के ऊपर गाड़ी पे बनाई हुई है बात, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो चाइल्ड लॉक है ऊपर, कभी कभी लगाना भूल जाता होगा, ये यहाँ पे चाइल्ड लॉक दिया हुआ है, तो ये मैंने अगर इस साइड से लगा दिया तो अब मेरी गाड़ी अंदर से नहीं खुलेगी, वो देख सकते हैं आप। तो ये चाइल्ड लॉक है, बट जो यहाँ देना चाहिए था वो वहाँ, क्योंकि वहाँ लगाना भूल जाता है किसी किसी को, तो एक हिडन सा फीचर दिया हुआ है। तो एक और बात मैं करना चाहूँगा, अब मेरी ब्रेकिंग का पता नहीं क्या इश्यूज आ रहा है, मेरे साइन आ रहा है वहाँ पे डैशबोर्ड पे, ब्रेकिंग वाला साइन आ रहा है, तो ये भी एक खामी पता नहीं क्या है, मैं ज़रूर चेक करवाऊंगा, खामी तो नहीं कह सकता इसको, तो ये टाटा पंच की ओर से तो नहीं है, शायद मेरी ओर से कुछ होगा, ब्रेकिंग में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो यही सब है। और एक और चीज़ जो बचा है वो ये जो रूफ दिया हुआ है, वाइट दिया हुआ है, बेस मॉडल, आई थिंक बेस मॉडल में ही है, तो ये एक साल में काफ़ी काला हो गया, अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों के सिर यहाँ पे रहते हैं, जो भी बैठता होगा पीछे तो ऐसे सिर तेल वगैरह लग जाता है, ऑयल, तो उस वजह से भी काला हो गया, तो धीरे धीरे ये ऊपर भी काला होने लग जाएगा। तो फिलहाल मैं कोशिश करूँगा अभी धुलवाने की इसको, क्योंकि 1 साल हो चुका है इसको। एक्सपीरियंस मैं लास्ट में देना चाह रहा हूँ, एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है टाटा पंच के साथ, फिलहाल अभी तक काफ़ी स्मूथ गाड़ी चलती है। तो एक और जो दिक्कत है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, एक और दिक्कत आ रही है मेरे साथ, वो उसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लेके आएंगे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी मज़ा आया मुझे टाटा पंच का, 1 साल मैं कहूँगा मुझे काफ़ी मज़ा आया 1 साल में टाटा पंच के साथ, तो कभी निराशा नहीं होने दिया इसने मुझे, तो पेट्रोल भी अच्छा खासा बचा लेती है, ये भी कहना रहता है कि टाटा पेट्रोल माइलेज, मतलब माइलेज में कम रहता है, तो माइलेज भी मेरी तरफ से अच्छी निकली है, गाड़ी ने मुझे अच्छी माइलेज दी है। तो बाकी जो मैं अभी हैंडलिंग की बात करने आया था वो तो काफ़ी अच्छी है ही, तो फिलहाल मैं टेस्ट करूँगा गाड़ी की मतलब कितनी स्पीड में कांपती है कि नहीं, क्योंकि मैं कहूँ आपको आल्टो चलाई थी तो जब भाई 100 के ऊपर जा रही थी तो कांपने लग जाती है, तो उस वजह से मैं सोचा कि टाटा पंच को भी टेस्ट ज़रूर करेंगे, कहाँ जाके ये भी कांपने लगेंगे, कौन सी स्पीड पर जाके। तो फिलहाल मैं फिर भी कहूँगा मैंने 130 तक ले चुका हूँ गाड़ी को, इससे ज़्यादा यहाँ मेरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नहीं, ये वाली कटरा वाली साइड इतनी अच्छी कोई रोड नहीं है आप 130 प्लस ले सको। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिसके पास टाटा पंच और जो लेने की सोच रहा है कोई भी गाड़ी, आप उसको ये वीडियो दिखाइए, क्या पता उसका मन टाटा पंच लेने का बन जाए। तो और मैं कहूँ अगर आपको गाड़ियों का शौक़ है तो आप मेरी लिस्ट में जाके, मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारी ऑफ रोडिंग के रिलेटेड वीडियोज़ हैं और टाटा पंच के रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो जाके चेक कर सकते हैं, और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो, और साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।